एक्सक्यूज मी, ये न्यू जॉइनीज की सीट कहाँ पर है? व्हाट, तुम हिंदी बोलती हो? यू तो क्या समस्या है अगर हम हिंदी में बात करें तो? नहीं नहीं बहन जी, हिंदी बोलने में कोई समस्या नहीं है, पर इस ऑफिस में इंग्लिश में बात करना जरूरी है। लेकिन मुझे जॉब देते वक्त तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। छोड़ना यार, लीव इट, लुक एट हर, शी लुक्स लाइक शी इज कमिंग फ्रॉम अ विलेज। शट अप यार, व्हाट इफ शी इज लिसनिंग? डू यू रियली थिंक शी इवन नोज इंग्लिश? बहन जी वैसे आपने अपनी डिग्री कहाँ से ली? ली होगी किसी गांव के ग्रामीण स्कूल से। अरे ये लोग तो स्कूल बैग की जगह वो सब्जी वाला थैला लेकर जाते हैं, राइट? और बुक्स की जगह वो स्लेट और चॉक। देखिए आप लोग ऐसे बात मत कीजिए, हमने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है। पीपल के पेड़ के नीचे न्यूज़पेपर बिछाकर बैठते होंगे। वैसे बहन जी आपको ये जॉब कहाँ से मिल गई? अब ये कंपनी गाँव के गवारों को भी जॉब देने लगी है क्या? अगर ऐसा है ना तो मैं आज ये जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने तो सुना है ये गांव के लोग नहाते धोते भी नहीं है। हाँ यार, सो अनहाइजेनिक, खुद तो गंदगी में रहते हैं, ऊपर से बीमारियां फैला जाते हैं। आ जाते हैं ब्लडी हिंदी स्पीकिंग बहन जी। तुम्हें क्या लगता है, तुम अंग्रेजी के बिना इस कंपनी में टिक भी पाओगी? जी प्लीज आप मुझे मेरी सीट बता दीजिए, मुझे मेरा काम करना है। ओले ओले, बहन जी को गुस्सा आ गया। गो देयर, वो रही तुम्हारी सीट। चल यार हम भी अपना काम करते हैं, वो लंदन से आज न्यू बॉस आने वाली है, खामा का इस बहन जी के चक्कर में काम नहीं हो तो सुना देगी हमें। हाँ यार, पता नहीं इस बार कौन सी डायन चुड़ैल को लेकर आ रहा है। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, जैसे लास्ट वाले बॉस को भगाया था इसे भी भगा ही देंगे। आप दोनों को नैन्सी मैम बुला रही है। अब ये नैन्सी मैम कौन है? मैम वो विदेश से आई है ना, वही मैम बुला रही है आपको। ओह लगता है मैडम आ भी गई, चलो नए बॉस के दर्शन कर लेते हैं। हेलो मैम, मे वी कम इन? यस श्योर, प्लीज कम इन। Welcome to India, ma'am. Yes, ma'am. We are really excited to work with you. Oh, really? Can you help me out? Yes, sure, ma'am. Anything for you? Please tell us. सामने टेबल पर एक envelope है, वो ले लीजिए। Ma'am, if you don't mind me asking, इसमें क्या है? इसमें हमारे promotion letters हैं क्या? No, your firing letter. What? तुम? बहन जी? हाँ जी, बहन जी। और क्या क्या कह रहे थे आप लोग, जाहिल, गवार, अनपढ़? मैम वी आर रियली सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैम हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। ओह तो अब अचानक से आपको हिंदी से प्यार हो गया है, जिस हिंदी की आप पहले बेइज्जती कर रही थी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अपने फेलो कलीग्स का मजाक उड़ाते हैं, उनके रंग कपड़े और भाषा से उन्हें जज करते हैं, बुली करते हैं, हैरेस करते हैं। मैम हमें नहीं पता था कि आप हो, हमें अपनी गलती का एहसास है और हम अपनी गलती पे बेहद शर्मिंदा है। शर्मिंदा? आप शर्मिंदा है? अरे आपने कलीग्स को तो क्या, अपने बॉस को भी नहीं छोड़ा। डायन चुड़ैल ना जाने क्या क्या बोला। सामने ही बैठी हूँ मैं आपके। क्या कह रहे थे आप लोग कि मुझे बाहर निकाल देंगे? निकालिए मुझे बाहर। नहीं नहीं मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। शट अप, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग किस मुंह से अपने आप को इंडियन कहते हैं? अरे जिस देश में रहते हैं उसी देश की भाषा का अपमान करते हैं। और जो लोग हिंदी बोलते हैं वो आपको जाहिल, गवार, अनपढ़ लगते हैं। आप दोनों को अभी इस कंपनी से निकाला जाता है। नहीं प्लीज मैम, हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए। बर्बाद हो जाएंगे? आई डोंट केयर, आप जैसे लोग ऐसी हाई पेइंग जॉब को डिजर्व नहीं करते हैं। और हाई पेइंग जॉब क्या, इस कंपनी में आप जैसे बदतमीज लोगों की कोई जगह नहीं है। यू कैन लीव नाउ। प्लीज सॉरी मैम। आउट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के साथ इस तरीके का मजाक ना करें, किसी भी इंसान का मजाक ना उड़ाए, चाहे उसके कपड़े से, उसके काम से, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे हैं, हमें भगवान जी ने एक जैसा ही बनाया। तो प्लीज़ सबकी मदद करें, किसी का मजाक ना उड़ाए, और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।